देहरादून में स्थानीय होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कहा कि जनसंघर्ष मोर्चा लगातार प्रख्यात स्टिंगबाज उमेश शर्मा के खिलाफ लगभग 8-9 वर्षों से मोर्चा खोल रखा है, लेकिन ऊंची पहुंच एवं अकूत संपत्ति के बल पर अब तक वो सलाखों से बाहर था। नेगी ने कहा कि शर्मा के खिलाफ प्रदेश भर में एक दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न मामलों में दर्ज है, जैसे कि फर्जीवाड़े, जमीन हत्याने, धमकाने, धोखाधड़ी आदि, जिसमें से कुछ मुकदमे शर्मा द्वारा राजनीतिक पहुंच एवं रसूख का लाभ उठाकर वापस करा लिए थे। नेगी ने उमेश शर्मा से संबंधित कई पुराने दस्तावेजों के आधार पर भाजपा के कई नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। 2012 में अजय भट्टी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भगोना सरकार को पत्र लिखा था कि मुख्यमंत्री जी जो उमेश शर्मा बहुत ही निहायत ही शरीफ व्यक्ति है, उनके खिलाफ जो है जालसाजी के तहत मुकदमे दर्ज किए, झूठे मुकदमे दर्ज किए। तो ये हालत जब ये चरित्र हमारे नेताओं का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस व्यक्ति के हाथ का खिलौना बन करके इस प्रदेश को लूटने का काम करे थे। हमारा ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, मुख्यमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश से निकाल बाहर करें जिससे प्रदेश में कानून का राज बने। दरअसल अभी सरकार ने प्रख्यात स्टिंगबाज उमेश शर्मा का जो स्टिंग किया है, एक तरह से स्टिंग है, सलाखों के पीछे भेजना का काम किया है। हमारा सरकार से एक ही कहना है कि इस स्टिंग में शामिल और तमाम जो 8-10 साल 15 साल का जो रिकॉर्ड है, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, इस स्टिंगबाज के साथ शामिल है। क्योंकि उमेश शर्मा के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे, फर्जीवाड़ा, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके लोगों को धमकाने के और तमाम ब्लैकमेलिंग के आरोप में मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अपने राजनीतिक इस्तेमाल का प्रभाव करके काफ़ी वापिस भी करा लिए। हमारा कहना यह है कि एक जनहित याचिका में 2012 में 66W 2012 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उमेश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए थे कि पूरी फोर्स लगा करके DGP को कि उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस समय भगोना जी अपनी गाड़ी में बैठा करके घूम रहे थे, तो बताइए गिरफ्तारी कैसी होती। निशंक सरकार ने पूरा जोर लगाया स्टिंगबाज को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उस समय जो भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने आवास में पनाह दी। और उसके साथ साथ जब 2500 रुपये का इनामी घोषित किया था पुलिस ने और LOC जारी हुई थी इस व्यक्ति के खिलाफ, उसके बाद 6 महीने में LOC निरस्त कर दी, जबकि सारे के सारे मामले उस समय पेंडिंग थे। और सुबोध उनियाल जी जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, अपने साथ विदेश घुमाने लगे, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी को गुमराह किया गया, इनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है, कोई NBW जारी नहीं, जबकि उस समय NBW जिंदा थे। और हरक सिंह रावत जी जो इनके खास हैं, स्टिंगबाज हैं एक तरह से, वो भी क्योंकि इनके बहुत क्लोज हैं, इन्होंने हरीश रावत जी का जब स्टिंग किया था सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग की किया था, अपना कुछ हासिल करना चाहते थे। लेकिन जो स्टिंग के समय की रिकॉर्डिंग मैंने अभी दिखाई, उसमें कहीं भी क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय सरकार के दबाव में सारा का सारा मामला हुआ। हमारा कहना यही है, अभी मेरी जनहित याचिका में उन्होंने भी हाईकोर्ट ने स्टिंगबाज उमेश शर्मा, हरीश सिंह रावत, CBI को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करने के लिए, जनता का अहित करने के लिए स्टिंग किया है। हमारा ये कहना है कि तमाम जितने भी स्टिंगबाज हैं, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, जिनके साथी हैं उमाकांत उनियाल जो कि इनके कानूनी ने पनाह दी, इन सबको भी, इनका भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो इसलिए कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हूँ, उनको इनका इतिहास भी देखना चाहिए और इस प्रदेश में जो स्टिंग की जो प्रथा चली आ रही उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चाहे उसमें अजय भट्टी का भी पत्र मैंने 2012 में अजय भट्टी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भगोना सरकार को पत्र लिखा था कि मुख्यमंत्री जी ये उमेश शर्मा बहुत ही निहायत ही शरीफ व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ जो है जालसाजी के तहत मुकदमे दर्ज किए, झूठे मुकदमे दर्ज किए। तो ये हालत जब ये चरित्र हमारे नेताओं का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस व्यक्ति के हाथ का खिलौना बन करके इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे थे, हमारा ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदेश से निकाल बाहर करें जिससे प्रदेश में कानून का राज बने।